तो फाइनली एक काफी अच्छी न्यूज है कि फाइनली इंडिया के अंदर जो है हाइपर ओएस का 1.0.3.0 एंड्रॉइड 14 अपडेट जो है रेडमी नोट 13 प्रो के यूजर्स के लिए यहां पे रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं और कौन कौन से नए फीचर्स आपको इस हाइपर ओएस के बिल्ड के अंदर यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। आज के लाइक का टारगेट रखते हैं अराउंड कोई 1500 लाइक्स का, मे बी आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे Redmi Note 13 Pro 5G आपको अपडेट मिल चुका है 1.0.3.0 Android 14 के ऊपर ये बेस्ड है। तो Android 14 जो है फाइनली अब Redmi Note 13 Pro की यूजर्स को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहले जो है हम स्टोरेज स्पेस चेक कर लेते हैं कि क्या स्टोरेज स्पेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे सिस्टम ने 11.11 GB और सिस्टम ने फाइल्स ने 7.75 GB जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो अपडेट जो है इस टाइम पे जो है कुछ ही लिमिटेड यूजर्स को देखने को मिला है, बट जल्द ही अपडेट जो है आपको विद इन 5 to 7 days में सभी पब्लिक यूजर्स को देखने को मिल जाएगा। फोल्डर में आपको जो है सुपर फोल्डर के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, बट आपको इसके अंदर ब्लर मोड यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। आइकन्स में जो है सुपर आइकन्स का फीचर जो अभी भी यहाँ पे मिसिंग है, तो वो फीचर अभी भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। कंट्रोल सेंटर जो है जरूर आपको नया यहाँ पे हाइपर ओएस का आपको देखने को मिलता है, जिसमें सेटिंग्स और एडिट का पैनल देखने को मिलता है और ब्लर बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है। काफी लोग पूछते हैं एनिमेशन कैसे हैं, तो ये देखिए एनिमेशन में दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके के एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं। आपको इसके अंदर हाइपर ओएस का ही यहाँ पे डायलर और मैसेजिंग ऐप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कैमरा का यूआई जो है थोड़ा बहुत जो है अपडेट यहाँ पे जरूर किया गया है, कुछ इसी यूआई के साथ आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब इसी तरीके से लॉन्चर की बात कर लेते हैं कि लॉन्चर जो है आपको कौन सा मिलता है। लॉन्चर जो है लेटेस्ट ही आपको अपडेट के साथ यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके अंदर आप इसकी स्पीड को यहाँ पे कम ज्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और सिस्टम नेविगेशन में आप इसके अंदर जेस्चर्स बटन या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो भी आप यूज करना चाहें, मेमोरी स्टेटस वगैरह, उन सबको आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ रीसेंट टैब्स कुछ किस तरीके आपको देखने मिलते हैं। 6.0 GB ऑफ 8.0 GB अवेलेबल यहाँ पे आपको ये शो करता है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन में आपको कस्टमाइजेशन अब आपको देखने को मिल रही है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपको अभी भी इसके अंदर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है 10 सेकंड्स की ही लिमिट का आपको देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर जो है विद जो आपको डेप्थ फिट आपको देखने को मिलता है, वो सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिले हैं। अगर इस वॉलपेपर का लिंक आपको चाहिए तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो अगर आप अपने ऐप ड्रॉर में जाएं तो आप देखेंगे अभी भी आपको इसके अंदर काफी सारा जो है ब्लॉटवेयर यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे वाओ, स्नैपचैट, ऐसे काफी सारे फालतू के एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट अच्छी बात यह है काफी सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप बाकी सिस्टम ऐप्स को भी यहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो बिना फोन के बूटरूटर को अनलॉक किए और रूट किए भी आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब कुछ और चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं सेटिंग्स पैनल में। सेटिंग्स पैनल में जैसे कि आप देख पाएंगे लॉक स्क्रीन का लुक आपको वैसा ही मिलता है जो ऑलरेडी MIUI 14 में ही आपको देखने मिला था। ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं आपको इसके अंदर। बाकी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाएं तो ये सब चीजों को आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। नए कंट्रोल सेंटर को इनेबल डिसेबल आप करना चाहें तो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। होम स्क्रीन में आपको दिखाई चुका हूँ। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएं तो आपको डार्क मोड, स्क्रीन ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस, कलर स्क्रीन और रिफ्रेश रेट, 120Hz और 60Hz के ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी फॉन्ट जो है आपको नया फॉन्ट यहाँ पे मी सेंस का यहाँ पे देखने को मिला है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएं तो आपको कुछ इस तरह का पैनल आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप हैप्टिक फीडबैक लेवल इन सबको यहाँ पे चेंज करना चाहें कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स में आप जाके कुछ छोटे मोटे चेंजेस इसे करना चाहें डॉल्बी एटमॉस वगैरह में, तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिलते हैं। बाकी वॉलपेपर के सेक्शन में जो है लुक थोड़ा बहुत आपको देखने को ऐसा देखने को मिल जाता है, जैसे लॉक स्टाइल में जाके आप लॉक स्टाइल में चेंजेस करना चाहें। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे कि मैंने आपको बताया 10 सेकंड्स की लिमिट के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। आइकन्स में अगर आप चाहते हैं तो आइकन्स को जो है रिसाइज कर सकते हैं, उसके जो बैकग्राउंड कलर्स को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गूगल ऐप्स पे ही काम करते हुए आपको मिल जाते हैं। बाकी फॉन्ट्स वगैरह मैं कुछ बता ही चुका हूँ नए मिलते हैं। सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट अभी भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिसिंग भी देखने को मिलती हैं इसके। बाकी फिंगरप्रिंट वगैरह सारे एज इट इज वैसे हैं। बैटरी का पैनल आपको जरूर जो है नया यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके के मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन जो है ऐप्स के अंदर जाएं तो आपको ड्यूल ऐप्स, ऐप लॉक वगैरह ये सभी के सभी ऑप्शंस देखने को मिले हैं। एडिशनल सेटिंग्स में कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर में जो है आप फ्रेम रेट 15 to 90 FPS आप इसके अंदर सकते हैं, यही ऑप्शन आपको देखने को मिले। फ्लोटिंग विंडोज मिल जाती है, मेमोरी एक्सटेंशन मिल जाती है, जिसको मैं मोस्टली डिसेबल रखता हूँ क्योंकि ये मुझे कोई खास
कोई एडवांटेज मुझे देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये ज़्यादातर फोन की परफॉर्मेंस को स्लो ही करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको ऑफ ही रखें, बाकी हर्ट रेट, OTG, ये सारे के सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया साइड बार आपको देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से फ्लोटिंग विंडोज़ को यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। कुछ नए एनिमेशन के साथ आपको चीज़ें मिली हैं, कुछ नए मेनूज यहाँ पे देखने को मिले, तो ये सभी HyperOS के फीचर आपको देखने मिले हैं। अब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है मिस भी करती हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पुराने बिल्ड के अंदर भी जो था आपको 4K के अंदर जो है HDR का ऑप्शन जो था यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलता था YouTube में, तो वो अभी भी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्वालिटी के अंदर, तो आपको जो है अभी भी इसके अंदर जो है HDR का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो कुछ इस तरीके के आपको रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले के आपको यहाँ पे देखने मिलते, तो HDR का ऑप्शन अभी भी यहाँ पे मिसिंग है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गैलरी की बात करें तो गैलरी के अंदर सभी लेटेस्ट आपको फीचर्स देखने को मिल चुके हैं, जिसके अंदर आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें, किसी पर्सन को रिमूव या इरेज करना चाहें, वो सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो है इसके अंदर आपको एडवांस फीचर्स गैलरी के अंदर भी आपको देखने को मिले, जो कि परफेक्ट तरीके से इस टाइम पे रेडमी नोट 13 प्रो पे काम कर रही है। आप किसी भी इमेज के जो है बैकग्राउंड को यहाँ पे चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, तो ये सभी के सभी फीचर्स आपको मिलते हैं। इवन जो है एडिट के ऑप्शन में जाएं तो और भी आपको काफ़ी सारे इसके अंदर टूल्स मिल जाते हैं, जैसे AI के टूल्स आपको मिलते हैं आर्ट फ्रेमिंग टाइप के, और ब्यूटीफाई के अंदर भी आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहें तो कुछ तरीके से आप कर सकते हैं। अब काफी लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको पुराने बिल्ड्स के अंदर जो था प्ले म्यूजिक इन बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिला, तो वो अभी भी इसके अंदर नहीं आया है। तो उसको जो है अब Xiaomi जो है धीरे धीरे रिमूव करिए, इवन सभी कंपनियां जो है उस फीचर को रिमूव करिए, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि इसके थ्रू जो है यूट्यूब का जो प्रीमियम प्लान था उस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता था। तो ये फीचर जो है Xiaomi की तरफ से रिमूव नहीं किया जा रहा है, मोस्टली YouTube की तरफ से ये सभी कंपनियों को जो है बताया गया है कि इस फीचर्स को अपने फोन्स में रिमूव करेंगे, तो इसलिए ये फीचर रिमूव किया जा रहा है। बाकी कंट्रोल सेंटर में आपको दिखाई दिया, उसमें ब्लर मोड देखने मिलता है, फोल्डर्स में आपको कोई ब्लर मोड देखने मिलता है, आपको अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा ब्लॉटवेयर जो है देखने को मिल जाता है। इवन जो है अब आपको इसके अंदर विजेट्स का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप कुछ लिमिटेड विजेट्स देखने को मिलते हैं, जो आपको चाइना में विजेट्स देखने को मिले उस तरीके के विजेट्स तो आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बट कुछ लिमिटेड विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं, इनको आप अपनी होम स्क्रीन पे आप जाके ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के विजेट्स का लुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इवन आपको जो ऐप वॉल सेक्शन होता है वहाँ पे भी आपको विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे भी आप इसके अंदर विजेट्स को ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि फाइनली जो है HyperOS Android 14 जो है Redmi Note 13 Pro के इंडियन यूजर्स को यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया। अगर आपको अभी नहीं मिला है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपडेट भी कर सकते हैं। या तो आप चूज अपडेट पैकेज से कर लीजिएगा, या फिर आप रीनेम की ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था कि फाइनली जो है नया अपडेट जो है Redmi Note 13 Pro के यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वॉलपेपर और रोम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।